इम्प्रूवमेंट आया स्टूडेंट के लिए, टीचर्स भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि जब टीचर्स से गुड रिस्पॉन्स आता है स्टूडेंट के लिए, तो मैम ने काफ़ी हद तक इसकी तारीफ की है कि क्लासरूम एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी है। मेरी क्लास सेवन्थ में स्टूडेंट है और हमको तो अच्छा लग रहा है। हमको जो भी प्रॉब्लम बच्चे को लगता है जैसे होना चाहिए, आजकल के समय में एजुकेशन में जो बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो वो सब बारे में हम लोग खुलकर टीचर्स को बता रहे हैं और उनसे भी हम लोग हम और वो दोनों मिलकर इसको इस प्रॉब्लम को, अगर कोई प्रॉब्लम बच्चे में आते हैं तो उनको सॉल्व करें और जो भी कमियाँ हैं उसको दूर करें दोनों मिलकर। क्योंकि जब तक हम नहीं सपोर्ट करेंगे तब तक टीचर्स भी नहीं कर पाएंगे। हम खुल के बोलेंगे तभी वो हमारी बात को समझेंगे। और ये कोरोना पीरियड में जो अगर ज़्यादा जो क्षति हुआ है तो वो एजुकेशन को हुआ है, तो एजुकेशन को बैलेंस में करने के लिए दोनों का कोऑपरेशन जरूरी है। तो यही उनको बताना है कि बहुत अच्छा स्कूल, बहुत अच्छा है, हम लोग तो शुरू से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अच्छा लग रहा है और बिना सपोर्ट के तो कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन जो पहले हो रहा था, मतलब 2 साल से ऑनलाइन पढ़ाई हुई, ये देखिए ऑनलाइन अच्छे भी है और कुछ खराब भी है लड़कियां के लिए। क्यों? देखिए मोबाइल देने, गार्जियन तो मोबाइल दे देते हैं बच्चे को पढ़ने के लिए, इस वजह से बहुत बच्चे गलत भी करते हैं। मोबाइल यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं, इसलिए कि हम लोग को भी बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो आप ऑफलाइन आप लोगों को ज़्यादा बेटर है। ऑनलाइन में क्या होता था कि रीडिंग जैसे प्रॉपर हर एक सेपरेटली बच्चे से नहीं कर पाते, लेकिन अभी क्या है क्लासरूम में हर एक बच्चे के साथ हम लोग सबको अच्छे से रीडिंग ये सब पढ़ पा रहे हैं। और ये 2 साल में जो इन लोग का पढ़ाई का नुकसान हुआ है, काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर रहे हैं, डे बाई डे ऑल आर इम्प्रूविंग इन द क्लास एंड दे वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द टीचर ऑल्सो। ठीक है, फिलहाल ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छा तो अभी ऑफलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन में तो कुछ बच्चे पढ़े नहीं। तो इस बार रिजल्ट कैसा आया बच्चों का? अभी तो एग्जाम होगा ही। अच्छा, तो फर्स्ट टर्म होने वाला है जुलाई में। अभी बच्चे हम लोग देखे हैं कैसा रिजल्ट आएगा। अच्छे मैन ऑफ देश था कि चूँकि जो बच्चे में कोरोना काल जो मतलब शुरू हुआ ऑनलाइन क्लास हुआ तो उतना ढंग से कंपेयर नहीं कर पाता था। क्लास तो करता तो था चूँकि नया नया मतलब शुरू हुआ था ऑनलाइन क्लास, बेहतरीन ढंग से नहीं कर पाता था। चूँकि अब ऑफलाइन हो गया है तो पहले की अपेक्षा अब बेहतरीन ढंग से क्लास भी कर रहा है और थोड़ा डेवलप भी कर रहा है। बस यही बच्चे की एक्टिविटी देखनी थी। यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग था और ये पेरेंट्स मीटिंग तो होना एक अच्छी बात है, ताकि टीचर्स जो हमारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमारे बच्चे किस तरह से पढ़ने किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं तो ये तो पेरेंट्स को जानना भी चाहिए। और ये पेरेंट्स मीटिंग तो बहुत ही बेहतर है, हम तो इसको बहुत अच्छा कहेंगे। काफ़ी टाइम के बाद कोरोना के पीरियड के बाद बच्चे यहाँ पे स्कूल को ज्वाइन किए। हम लोग चाहते थे कि जो बच्चे रेगुलर हुए हैं अभी वो कैसा प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनकी रेगुलरिटी में कैसी है, वो लोग कैसा क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं वो, और ऑनलाइन में जो हुआ था सभी गतिविधियों को लेते हुए जो परफॉर्मेंस वो लोग कर रहे हैं उसके बारे में अभिभावक को गार्जियन को जानकारी दें कि बच्चे कैसा कर रहे हैं। और चूंकि इसके बाद समर वेकेशन होने वाला है तो बच्चे उसमें अपने आप को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग को रखा गया है। घर में ऐसा होता है ना, बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, घर में जाके झूठ बोलते हैं, ये सब आके पता चल जाता है। तो अच्छा है ये, हाँ, होना चाहिए। हाँ, और ऑनलाइन सब इसका है सप्लाई तो सब कुछ पता चल जाता है, अटेंडेंस वगैरह सब, स्कूल ये छोड़ नहीं सकता है। हाँ, हमारा उद्देश्य आज पेरेंट टीचर मीटिंग का ये है कि हम लोग बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में पेरेंट्स से फेस टू फेस बात करें। अपनी प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे हैं बच्चों को लेकर वो हम लोग पेरेंट को बताएं, पेरेंट जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो हम लोग को बताएं, और दोनों ग्रुप जो है पेरेंट और टीचर का मिल के कोऑर्डिनेट करके बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए और बढ़िया प्रोग्रेस के लिए हम लोग सोचें, मिलकर चलें आगे। और जो डिसिप्लिन का प्रॉब्लम अभी आए दिन हम लोग देख रहे हैं, वो बच्चों को डिसिप्लिन में लाना ये भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है आजकल एजुकेशन का। जो कोरोना काल के बाद एक स्कूल रेगुलर चलना शुरू किया है तो 1.5 महीने के पढ़ाई में जो सेशन समर वेकेशन के पहले क्या डिफ़िकल्टीज आई, क्या दिक्कतें हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, छुट्टी में किस तरह से इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, कौन क्या क्या चीज़ करना चाहिए, वो पेरेंट्स अपनी भी समस्याएं रखेंगे और टीचर्स भी अपनी समस्याएं को रख करके
फिर एक उसके निदान निकालेंगे कि क्या करना है, किस तरह से करना है। विशेष रूप से इसीलिए इंटरैक्शन के लिए दोनों में आपस में बातचीत हो और दिक्कतों को अपना समझें और उसको सुलझाने का कोशिश करें। पढ़ाई का सबसे ज़रूरी और सबसे अहम चीज़ है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब कहने का हुआ कि बच्चे खुद किताब खोलकर पढ़ें। इसके लिए उसके पास में रीडिंग स्किल होना चाहिए, वो रीड करें, रीड करके वो समझें, जिसको हम लोग लर्निंग कहते हैं, लर्न करें। फिर थर्ड जो इनपुट होता है जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ का जवाब उसको जो देना होता है परीक्षा में खास करके, तो लिखित होता है। इसलिए लिखना भी, अक्षर बनाना वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हैंड राइटिंग प्रैक्टिस इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। हैंड राइटिंग के प्रैक्टिस के लिए सर आप बच्चों को क्या सलाह देंगे, मतलब कैसे करनी चाहिए? जैसे पहला चीज़ है कि वो फोर लाइन कॉपीज है, फोर लाइन की कॉपी में वो उसमें डायरेक्शन रहते हैं, या कर्सिव राइटिंग की किताबें हैं जो कि बच्चों को दिया गया है प्रत्येक क्लास के हिसाब से, तो कर्सिव राइटिंग कैसे करना है उसके आधार पर वो प्रैक्टिस करेगा। और चूँकि कर्सिव राइटिंग की किताब बहुत मोटी नहीं होती है, पतली होती है, कुछ पन्नों की होती है, तो वो सफिशिएंट नहीं होगा होमवर्क में उसको कंप्लीट करना, वो तो दो चार दिन में ख़त्म कर लेगा अगर बच्चा चाहे। लेकिन अगर वो कॉपी अलग से पेरेंट्स प्रोवाइड कर दें और उसमें लिखने के लिए बताएं, जो कि कहा गया हर एक स्टूडेंट को यह होमवर्क के रूप में दिया गया कि प्रत्येक दिन दो पेज इंग्लिश का और दो पेज हिंदी का जरूर लिखें, जिससे कि उसके हैंड राइटिंग में भी सुधार आएगा और स्पीड भी अच्छा बनेगा। तो क्लास में क्लास वर्क नोट डाउन करने के लिए, बोर्ड से नोट डाउन करने के लिए, उसमें उसको दिक्कत नहीं आएगी, वो समय पर अपना कर। और सर इंग्लिश के बनस्पत बच्चे हिंदी पढ़ने में ज़्यादा मतलब संकुचित हो रहे हैं, तो उसको लेके क्या करना चाहिए? ऐसी बात नहीं है, आप इंग्लिश पढ़ने के बच्चे ये कहते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि मुझे हिंदी नहीं पढ़ना आता या नहीं करते, हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वो केवल अपना बहाना करते हैं। उसको देखिएगा, वैसे बच्चे जो हैं वो हिंदी तो छोड़ दीजिए, इंग्लिश में कमजोरी है और हिंदी में भी हो जाते हैं। इसलिए सलाह ये है जो सेल्फ स्टडी के बारे में कहते हैं, रीडिंग स्किल वो दोनों का होना चाहिए सामान्य रूप से, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी, और पेरेंट्स को भी इस पर ये करना चाहिए। और लैंग्वेज कोई भी हो, अगर आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, वोकैबुलरी आपका अगर मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वैसे स्थिति में आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाइएगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा तो बात को समझा नहीं पाएंगे आप। तो इसलिए बच्चों को रीडिंग दोनों में आना चाहिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस, ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट ही सब कुछ करते हैं, हिंदी वाले नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हिंदी से भी अच्छे पढ़ते हैं और अच्छा मार्क्स लाते हैं, और ICSE स्कूल्स में आप देखेंगे कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी उतना ही अच्छा मार्क्स आता है।